नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। टाटा ग्रुप के एयर इंडिया के टेक ओवर के बाद अब एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत के कई शहरों से कतर की राजधानी दोहा के लिए फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया है। यह फ्लाइट भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से दोहा के बीच ऑपरेट करेगी। बता दें कि यह फ्लाइट भारत से दोहा डायरेक्ट होगी। यह उड़ानें 30 अक्टूबर के बाद से शुरू होगी और इनकी संख्या 30 होगी। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं और उनका काम सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देना है। राजधानी पटना के पीरबहोर थाने में जो कुछ देखने को मिला है वह जनता राज का ही एक नजारा था। थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों की पिटाई की जा रही है और पुलिस असहाय बनी हुई है। जुबिन नौटियाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जुबिन नौटियाल को अरेस्ट करने की मांग की जा रही है, जिसके तहत ट्विटर पर अरेस्ट जुबिन नौटियाल भी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की वजह जुबिन नौटियाल का जय सिंह नाम के शख्स का म्यूजिक कॉन्सर्ट करना है, जो मोस्ट वॉन्टेड बताया जा रहा है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे वार्ड पार्षद अफसर अली ने टाउन डीएसपी के साथ बदसलूकी की, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का राज है, लेकिन लगता है कि कुछ खास जनता का राज है। जनता पुलिस पर हावी है। मुख्यमंत्री बिहार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बालू माफिया और शराब माफिया खुलेआम अपना काम कर रहे हैं। सीमित ओवरों के 35 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया है कि आगामी 11 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला तीसरा एक दिवसीय मुकाबला उनके क्रिकेट करियर का आखिरी एक दिवसीय मुकाबला होगा। एरॉन फिंच मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 32 मैच खेलते हुए 31 पारियों में 48.66 की औसत से सर्वाधिक 1460 रन बनाए। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जारी रखते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। जन स्वराज अभियान के तहत पूर्णिया पहुंचे किशोर ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर फेविकॉल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले, किसी की भी सरकार हो, लेकिन वह कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। वंदे भारत ट्रेन ने बीते शुक्रवार को ट्रायल के दौरान शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को महज 52 सेकंड में पूरा करते हुए बुलेट ट्रेन के 54 सेकंड के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। देश के सेमी हाई स्पीड ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई के बीच तीसरा ट्रायल रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन में एयर प्यूरिफायर भी मौजूद है, जो 99% तक कीटाणु को खत्म कर सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुजरात पहुंचे ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश को कमजोर प्रधानमंत्री और खिचड़ी सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि देश में कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वह कमजोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि देश में खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। भारत ने चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को एक सलाह पत्र जारी किया है, जिसमें छात्रों को चीन में पढ़ाई करने के बाद होने वाली कई तरह की समस्याओं के प्रति आगाह किया गया है। वर्तमान में विभिन्न चीनी विश्वविद्यालयों में 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों ने दाखिल लिया हुआ है, जिनमें से बड़ी संख्या चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है। परामर्श में कहा गया है कि 2015 से 2021 के बीच जिन भारतीय छात्रों ने चीन के 45 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से क्लिनिकल चिकित्सा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की है, उनमें से केवल 16% पास हो सके। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर सभी को हंसाने के लिए तैयार है। यह शो सोनी टीवी पर 10 सितंबर 2022 से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी इसके एपिसोड देख सकते हैं। शो के पहले एपिसोड में कठपुतली के स्टार्स अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह और सरगुन मेहता नजर आएंगे। 2021 की रैंकिंग के अनुसार 116 देशों में भारत का स्थान 101 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आधिकारिक रूप से बताया है। यह रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत से आगे बताए गए थे। वहीं 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। दोनों की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है, यूपी जोड़ बिहार बराबर गई मोदी सरकार। बता दें कि इस पोस्टर पर सपा नेता आईपी सिंह का नाम लिखा है। नागालैंड भारत की ऑफ रोडिंग राजधानी के रूप में विकसित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्टों के अनुसार नागालैंड पर्यटन ने ऑफ रोड आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली पहल शुरू कर दी है। दीमापुर और कोहिमा के केंद्रों से पर्यटन पश्चिम फैलाने और अंदरूनी हिस्सों में अद्वितीय संस्कृति और नाटकीय परिदृश्य को पकड़ने के मद्देनजर नागालैंड ऑफ रोड समझदार यात्रियों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाएगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने ओपनिंग डेट पर इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। पहले दिन जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीब 37 करोड़ की कमाई कर अपना खाता खोला, तो वहीं वर्ल्ड वाइड में भी जमकर फिल्म ने कलेक्शन किया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बसपा की मुखिया मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि सपा मुखिया जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल व बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में है, तो फिर लोगों में निराश क्यों न हो। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के लिए फैन ने एक पेंटिंग बनाकर लाया, लेकिन वह पेंटिंग आम नहीं थी, उस फैन ने अपने खून से बनाया था। इसके साथ ही जब वह सोनू से मिला तो उसने कहा कि वह सोनू के लिए अपनी जान भी दे सकता है। यह फैन प्रतापगढ़ के बड़खेड़ा गांव का रहने वाला है और इसका नाम माधु गुर्जर है। हालांकि एक्टर को यह पसंद नहीं आया, फिर भी उन्होंने पेंटिंग तो ले ली, लेकिन ऐसा करने से मना किया। भारतीय स्टेट बैंक अपने चालू बचत और सैलरी खातों को लेन देन बैंकिंग जमा के साथ फिर से डिजाइन करने की योजना बना रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में SBI ने कहा कि चालू खाता, बचत खाते, कॉर्पोरेट वेतन पैकेज और लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को सुधारने के लिए बैंक बाहरी सलाहकार को नियुक्त करेगा। इसके लिए सलाहकार SBI की विभिन्न आंतरिक इकाइयों और सर्कल टीमों के साथ काम करेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से मुलगुमूट से सुबह 7 बजे से हुई। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में 42% युवा बेरोजगार है। युवाओं का भविष्य असुरक्षित होने पर क्या भारत का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? यह यात्रा उन बेरोजगार युवाओं के लिए है, हम उनकी नौकरी के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने झूंसी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव और सपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मैं समाजवादी पार्टी से बहुत बार धोखा खा चुका हूं, इसलिए अब सपा में जाने के लिए मैं भविष्य में सपा से कोई भी समझौता नहीं करूंगा। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की जिंदगी भी कुछ ऐसा ही मोड़ ले रही है। पिछले महीने 20 अगस्त को सोनम ने एक क्यूट बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसके बाद वह और आनंद अपने पेरेंटहुड को काफी एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद आनंद ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें स्नीकर्स के 3 सेट नजर आ रहे हैं। इनमें 2 सेट उनके बेटे के हैं और 1 उनके होंगे। तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, मोस्ट रिसेंट पिकअप्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां एक ओर पूरा देश में अन्य सरकारें पक्की सरकारी नौकरियां खत्म करके संविदा कर्मचारी भर्ती करा रही है, वहीं पंजाब की आप सरकार ने संविदा कर्मियों को पक्का करना शुरू किया है। आप नेता ने अपील की है कि केंद्र सरकार भी संविदा कर्मचारियों को पक्का करे। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी हमारी सरकार बनेगी, हम वहां संविदा कर्मचारियों को पक्का करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा, देखिए यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँच रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। आप देखेंगे 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक पद्मश्री विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल का शनिवार को निधन हो गया। उनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल और उम्र 101 साल की थी। वह 100 साल की उम्र में भी आर्कियोलॉजी से जुड़े शोधों में और उसके लेखन सक्रिय थे। बीबी लाल के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि श्री बीबी लाल एक बेहतरीन शख्सियत थे। कल्चर और आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें एक ऐसे बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा जिनका हमारे समृद्ध अतीत से गहरा नाता था। पीएम ने लिखा कि उनके निधन से गहरे सदमे में हूं। इसके बाद उन्होंने परिवार के साथ अपनी सांत्वना व्यक्त की।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा सीजन आज यानी 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इंडियन लीजेंड्स का नेतृत्व करेंगे। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें मैच भारत के 4 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। टीवी के सुपरहिट कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शुभांगी अन्य ठगी का शिकार हो गई हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के बाद शुभांगी ऐसे फ्रॉड से लोगों को सावधान करना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा OTP शेयर न करने और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने के अलावा भी लुटेरे आपको चूना लगा सकते हैं, तो मैं सभी को बहुत सावधान रहने के लिए कहना चाहती हूं। अमित शाह ने टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं राहुल बाबा और कांग्रेसियों उनका संसद एक भाषण याद दिलाता हूँ। राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो आप? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के गार्डनरिज में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी आमिर खान के घर से कम 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ईडी के प्रेस बयान के अनुसार मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करता था। इसी मामले में ईडी ने शनिवार सुबह 8:30 बजे से कोलकाता शहर में 6 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने शनिवार सुबह से न्यू टाउन पार्क स्ट्रीट मोमिनपुर के पोर्ट एरिया सहित गार्डनरिज में शाही स्टेबल लेन समेत 6 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। हर साल की तरह इस साल फिर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों की अपनी नई सूची जारी की है। साथ ही छात्रों को इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने से परहेज करने की सलाह दी है। कोई भी संस्थान जो UGC अधिनियम के तहत स्थापित नहीं है और सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटीज के लिए बनाई गई शर्तों का उल्लंघन करके डिग्री प्रदान करता है, वह एक फर्जी संस्थान है। योग गुरु रामदेव की कम से कम 5 कंपनियों का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO लॉन्च होने वाला है। इसके जरिए कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। योग गुरु रामदेव ने बताया कि जिन कंपनियों को IPO लॉन्च होने वाला है उनमें पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि मेडिसिन के अलावा पतंजलि लाइफस्टाइल भी शामिल है। यह कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड थी। इसी साल कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स किया गया है। भारत के विदेश मामलों के बड़े बड़े एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञ अक्सर अमेरिका पर भरोसा को लेकर चिंता व्यक्त करते रहते हैं। उनकी इस चिंता को अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों के लिए विशालकाय पैकेज की घोषणा कर सही साबित कर दिया है। यानी जिस अमेरिकी डॉलर्स पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को पालता पोसता रहा, उस अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को मेगा पैकेज देने का ऐलान किया है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, के सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वंदे भारत ट्रेन के सफल ट्रायल होने के बाद क्या भारत में बुलेट ट्रेन के चलने का रास्ता साफ हो गया है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।